वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने डिफेक्ट के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर लिया था। अब कुछ डिफेक्ट और रह जाते हैं, उनको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं और डिफेक्ट को हम लोग समअप कर लेते हैं। तो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट होते हैं। तो देखो जरा, हम लोग बात कर रहे हैं डिफेक्ट की, है ना, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो याद करो, हमने डिफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट, याद है, एक तो था इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट और दूसरा कौन सा था, दूसरा था एटॉमिक डिफेक्ट। कौन सा? एटॉमिक डिफेक्ट, सही है। फिर हमने एटॉमिक डिफेक्ट को अगेन क्लासिफाई किया था दो कैटेगरीज में, एक लाइन डिफेक्ट, हिंदी में कहें रेखीय दोष, और दूसरा था पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष, सही है। अब अगेन हम लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट को फिर से दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था। पॉइंट डिफेक्ट दो तरह का था, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी रस समीकरण मिति दोष, सही है, और दूसरा था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी एरस समीकरण मितीय दोष, क्लियर है। फिर हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को डिस्कशन में ले लिया था और इसे भी फर्दर हमने टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया हुआ था। एक इसके अंदर हमने कौन सा डिफेक्ट पढ़ा था? शॉटकी डिफेक्ट, याद है सबको, और दूसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। और अभी हम लोग डिस्कशन में लेने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो टाइप से अराइज होते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी इस टाइप के डिफेक्ट में मेटल का क्या होगा? एक्सेस होगा, या इसे कह सकते हैं कैटायन एक्सेस डिफेक्ट, यानी सरल शब्दों में कहें तो मेटल एक्सेस यानी धातु आधिक्य दोष, ठीक है। तो एक मेटल एक्सेस होता है तो फिर दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा मेटल डेफिशिएंसी। कौन सा होगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और इसे कह सकते हैं कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सही है, क्लियर सबके दिमाग में। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, ये जो धातु आधिक्य दोष होता है यानी मेटल एक्सेस वाला डिफेक्ट जो होता है, ये किसी क्रिस्टल में दो तरह से अराइज हो सकता है। दो तरह से कैसे कैसे हो सकता है भाई? एक हो सकता है बाई एनायनिक वैकेंसीज, यानी मान लो क्रिस्टल में से एनायन ही गायब हो जाए तो भी इस तरह का डिफेक्ट क्रिएट होता है। किसके द्वारा होता है? बाई एनायनिक वैकेंसीज के द्वारा, है ना। और दूसरा होता है बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इनटू इंटरस्टीशियल साइट, यानी अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होने की वजह से भी मेटल एक्सेस हो सकता है, या कुछ एनायंस के मिसिंग होने से एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट होने के कारण भी मेटल एक्सेस यानी धातु आधिक्य दोष हो सकता है। तो फिर सब आप लोग ध्यान दें इस बात पर कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि डिफेक्ट किस किस तरह के होते हैं। तो देखो जरा सभी लोग, डिफेक्ट है वो, देखो डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो डिफेक्ट दो तरह के हैं, इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट और दूसरा है एटॉमिक डिफेक्ट, क्लियर है। एटॉमिक डिफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, लाइन यानी रेखीय दोष और पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में जब बात की थी तो दो तरह के बताए थे, स्टोइकियोमेट्रिक यानी रस समीकरण मिति भी हो सकता है, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यानी एरस समीकरण मिति दोष भी हो सकता है।
रस समीकरण विधि 2 में हमने शॉटकी डिफेक्ट को डिस्कस किया था और फ्रेंकल डिफेक्ट को डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और ये डिफेक्ट दो तरह का हो सकता है, या तो मेटल की एक्सेस हो सकती है या मेटल की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर मेटल की एक्सेस है, क्या है एक्सेस है, तो वो भी दो तरह से हो सकती है, बाई एनायनिक वैकेंसी यानी ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, या फिर हो सकती है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट। तो ये डिफेक्ट की क्या है, एक तरह से समरी है जिसमें सभी तरह के डिफेक्ट दिखाई देते हैं। क्लियर? अभी हमारा डिस्कशन किस पर रहेगा, अभी हमारा डिस्कशन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पर रहेगा, और उसमें भी मेटल एक्सिस और कैटायन एक्सिस डिफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टोइकियो मैट्रिक डिफेक्ट, और उसमें भी हम डिस्कशन में ले रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से अराइज होता है, उसमें पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाई एनायनिक वैकेंसीज। ठीक है, अब देखो एनायनिक वैकेंसीज के द्वारा किस तरह से ये डिफेक्ट अराइज होता है, अगर हमें इस बात पर चर्चा करनी है तो देखो होगा क्या। एक्चुअल में मैं किसी क्रिस्टल की बात करता हूँ, जैसे मान लो ये कोई क्रिस्टल में बना रहा हूँ इस तरह से, ये कोई आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मेटल का एक्सेस होना चाहिए, तो आप याद करो कि हम लोग मेटल की बात करते हैं तो मेटल किसका होता है, कैटायन होता है मेटल या एनायन होता है, ऑब्वियसली कैटायन होता है, तो हमें चाहिए कि इस क्रिस्टल के अंदर कैटायन का एक्सेस होना चाहिए। तो कैटायन यानी धनायन का एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई एनायनिक वैकेंसीज यानी एनायन की वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं। यानी मान लो इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर से कुछ एनायन मिसिंग हो जाए, क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए, यानी लैटिस को छोड़कर चले जाए। तो जैसे मैं मान लूँ यहाँ से ये वाला एनायन मिसिंग हो गया है, मिसिंग होने से मतलब लैटिस को छोड़कर चला गया है। ठीक, सिमिलरली मान लेता हूँ ये वाला एनायन भी क्या है, मिसिंग हो गया है, और मिसिंग हो गया है तो लैटिस को छोड़कर चला गया है। अगर लैटिस में से एनायन मिस होते चले जाएंगे, है ना, तो डेफिनेटली इसके अंदर एनायन कम होते चले जाएंगे, और अगर एनायन कम होते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्रिस्टल के अंदर कैटायन का एक्सेस होने लग जाएगा। यानी एनायन के कंपेयर में लैटिस के अंदर कैटायन का एक्सेस होने लग जाएगा, यानी धनायन का आधिक्य होने लग जाएगा, और अगर धनायन का आधिक्य होगा तो फिर मेटल का भी क्या हो जाएगा, मेटल का भी एक्सेस हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से कुछ एनायन मिसिंग हो जाते हैं, अगर कुछ एनायन मिसिंग होते हैं तो देखो जरा क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। मैं यहाँ से इस एनायन को मिसिंग कर दूँ और इस वाले को मिसिंग कर देता हूँ, तो फिर देखो क्या होगा, देखो मान लो ये मिसिंग हो गया और मान लो ये भी यहाँ से क्या हो गया, मिसिंग हो गया। जैसे ही एनायन मिसिंग हो जाएंगे इस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा, इस जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो अब ये खाली जगह बन चुका है जिसे हम लोग वैकेंसी या रिक्तिका कह सकते हैं। सिमिलरली ये भी जगह खाली हो चुकी है और इसे भी हम लोग वैकेंसी या रिक्तिका कह सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये वैकेंसी जो क्रिएट हुई है, ये वाली और ये वाली, ये एनायन के मिसिंग होने से हुई है, इसलिए कभी कभी हम लोग इन वैकेंसी को एनायनिक वैकेंसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एनायनिक वैकेंसी यानी ऋणायनिक रिक्तिका बोल देते हैं। अब आप खुद सोचो, यदि क्रिस्टल से एनायन गायब होंगे तो क्रिस्टल में ऋणावेश कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, किसी भी तरह का डिफेक्ट हो, चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक हो चाहे वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो, किसी भी डिफेक्ट के अंदर कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होगा कि क्रिस्टल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए डिफेक्ट की वजह से, या क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऐसा नहीं होता।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है, इसलिए अगर किसी डिफेक्ट में ऋणावेश कम हुआ है तो फिर उतना ही ऋणावेश बढ़ना भी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। अगर किसी डिफेक्ट में धनावेश कम हो गया है तो फिर उतना ही धनावेश बढ़ना भी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो होता क्या है कि ऐसा देखा जाता है कि जब क्रिस्टल में से एनायन मिसिंग होता है तो उनकी जगह पर एनायनिक वैकेंसी बनती है और उस वैकेंसीज में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। एनायन तो नहीं है लेकिन उसकी जगह पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। याद रखोगे, अब देखो एक एनायन गया था उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ऋणावेश कम हुआ उतना ऋणावेश वापस आ भी गया। एक एनायन यहाँ से गया था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी उपस्थित है, तो जितना ऋणावेश कम हुआ है उतना ही ऋणावेश वापस आ भी गया है, इसलिए क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। बट ध्यान रहे, ऋणायन तो कम हो गए हैं ना, नेगेटिव आयन तो कम हो गए हैं, इसका मतलब इस क्रिस्टल के अंदर मेटल यानी पॉजिटिव आयन्स की एक्सेस है, नेगेटिव आयन की कमी है। बट चार्ज को न्यूट्रलाइज रखने के लिए उस नेगेटिव आयन की जगह पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। क्लियर है सबके दिमाग में? तो इस डिफेक्ट को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि इस डिफेक्ट के अंदर क्या क्या घटित होता है। तो देखिए जरा इस डिफेक्ट में क्या घटित होता है। देखो मैं कह सकता हूं कि इस वाले डिफेक्ट में कुछ एक पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सम ऑफ एनायन, सम ऑफ एनायन, सम ऑफ एनायन आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल एंड फॉर्म वैकेंसी। सही बात है कि इस प्रकार के डिफेक्ट में क्रिस्टल में से कुछ एनायन मिसिंग हो जाते हैं और उनकी जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं इन विच, यानी वैकेंसी जो होती हैं इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, यानी कुछ एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि एनायनिक वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, वैकेंसी इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड आर नॉन एज, नॉन एज एफ सेंटर। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी एनायनिक वैकेंसी जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है वो एफ सेंटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एफ सेंटर। ये जो एफ होता है ये एक जर्मन वर्ड है ना, जर्मन भाषा का एक वर्ड है फारवे। क्या वर्ड है, फारवे, उससे लिया गया है जिसका मीनिंग होता है कलर। क्या होता है, कलर। यानी ये जो वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं जिनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक, इलेक्ट्रॉन युक्त इस वैकेंसीज को हमने नाम दिया है एफ सेंटर। क्या नाम दिया है, एफ सेंटर, ठीक है। और ये एफ जो है ये जर्मन भाषा के वर्ड, कौन से वर्ड से लिया गया है, फारवे से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कलर। यानी ये एफ सेंटर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए। यानी जिन क्रिस्टलों में इस तरह की एनायनिक वैकेंसी हो और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रैप्ड हो तो उसे आप एफ सेंटर बोल देते हो, और ये एफ सेंटर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी इन क्रिस्टलों में स्पेसिफिक कलर पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि ये जो एफ सेंटर होता है ना, एफ सेंटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ क्रिस्टल।
यानी क्रिस्टल को ये कलर देने का काम करता है। इस एफ सेंटर की वजह से क्रिस्टल में स्पेसिफिक कलर अराइज होता है। तो देखो, हम लोग डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिफेक्ट की, और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कैसा डिफेक्ट देख रहे हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्लियर है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट का। किस वाले डिफेक्ट का? मेटल एक्सिस डिफेक्ट का, यानी कि ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर क्रिस्टल में मेटल का एक्सिस दिखाई देगा, यानी कैटायनों का एक्सिस दिखाई देगा। और वो डिफेक्ट दो तरह से अराइज होता है। उसमें पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाई एनायनिक वैकेंसीज, यानी ऋणायनिक रिक्तिका के द्वारा। अब देखो, इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होगा, क्रिस्टल में से कुछ एनायन मिसिंग हो जाते हैं और उनकी जगह पर क्या क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये देखो, ये वैकेंसीज हैं। क्यों बनी ये वैकेंसी? यहाँ से ऋणायन चला गया, ठीक। उन वैकेंसीज के अंदर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन युक्त इन वैकेंसीज को आप क्या नाम देते हो? एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमने कहा कि इस डिफेक्ट में सम ऑफ एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, क्रिस्टल से कुछ एनायन मिसिंग हो जाते हैं एंड फॉर्म वैकेंसीज। क्या बनाते हैं? वैकेंसी बनाते हैं। उन वैकेंसियों के अंदर इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड, उन वैकेंसियों के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तभी तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है ना। तो इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड, सो हम आगे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होने की वजह से क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहती है। देखो, रिडाइवेस गया तो क्रिस्टल में नेगेटिव कम हो जाएगा और पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो क्रिस्टल तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। बट मैंने कहा कैसा भी डिफेक्ट हो, क्रिस्टल पर चार्ज अराइज नहीं होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए इन वैकेंसीज के अंदर कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। एनायनिक वैकेंसी, हम बात कर रहे हैं किसकी, एनायनिक वैकेंसी इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड आर नॉन एज एफ सेंटर। ऐसी वैकेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन हो क्या कहलाएगी? एफ सेंटर। और एफ सेंटर जर्मन भाषा के शब्द से बना है फॉरवे, जिसका अर्थ होता है कलर, यानी ये एफ सेंटर जो होता है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर। अब हम इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि NaCl क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल है? NaCl क्रिस्टल आर हीटेड इन एटमॉस्फियर ऑफ सोडियम वेपर। जब NaCl के क्रिस्टल को आप सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं, देन सोडियम एटम आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल की सतह पर सोडियम एटम जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी हम कह रहे हैं व्हेन NaCl क्रिस्टल, यानी जब NaCl क्रिस्टल को आर हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, देन सोडियम एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की सरफेस पर सोडियम एटम डिपॉजिट हो जाते हैं एंड Cl- comes out from the crystal, क्रिस्टल से कौन बाहर आने लगता है? Cl- बाहर आने लगता है एंड फॉर्म
विद सोडियम एटम। अब देखो ये बात हमें अच्छे से समझनी है, पहले तो लाइन पढ़ लेते हैं। लाइन क्या है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl क्रिस्टल आर हीटेड इन एटमोसफियर ऑफ सोडियम वेपर, जब NaCl के क्रिस्टल को आप सोडियम वेपर के एटमोसफियर में हीट करते हैं तो सोडियम की जो वेपर होती है वो क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अब सोडियम वेपर में सोडियम के एटम होंगे तो सोडियम के एटम जो होते हैं वो क्रिस्टल की सरफेस पर क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर से Cl- बाहर निकलता है और सरफेस पर पड़े हुए सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाने लगता है? NaCl बनाने लगता है। इस बात को हम ऐसे समझेंगे, देखो जरा मैं क्या करता हूं, मैं एक NaCl का क्रिस्टल यहां बना देता हूं, ठीक है। ये NaCl का क्रिस्टल है जिसके अंदर Na+ और Cl- उपस्थित हैं, Na+ Cl- Na+ Cl-। अब क्या करते हैं हम, इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं। जब सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में इसको हीट करते हैं तो इस क्रिस्टल के चारों तरफ क्या हो जाएगी? सोडियम की वेपर इकट्ठी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक। अब उस सोडियम की वेपर में क्या होगा? सोडियम के एटम होंगे। तो मैं ये कहूँ कि इस क्रिस्टल के चारों तरफ क्या इकट्ठे हो जाएंगे? सोडियम के एटम इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर है सबके दिमाग में? जब सोडियम के एटम इसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर से कुछ Cl- बाहर निकलते हैं। जैसे मान लो क्रिस्टल के अंदर से ये वाला Cl- बाहर निकल आया, ठीक है, और ये वाला Cl- बाहर निकल आया, ठीक है। जब क्रिस्टल के अंदर से कुछ Cl- बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो Cl- बाहर आ रहा है, ये वाला Cl- इस वाले सोडियम के साथ, ठीक है, इस वाले सोडियम के साथ, और ये जो Cl- बाहर आया है ये इस वाले सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके NaCl बनाता है। तो ये सोडियम और ये वाला Cl-, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं? NaCl। बट ध्यान रहे, इस प्रोसेस में क्या होगा कि सोडियम Cl- से रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन क्यों प्रोड्यूस होगा? तो भाई देखो NaCl में Na किस फेज में है? प्लस में, और Cl किस में है? माइनस में। तो यहाँ Cl कैसा था? माइनस। यहाँ भी कैसा है? माइनस। इसको तो ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है और ना ही गेन करना है। बट यहाँ सोडियम किस फेज में है? केवल एटम की फॉर्म में है, Na है, और यहाँ आयन है Na+। अब जब सोडियम Na+ में कन्वर्ट होगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन तो वो रिलीज करेगा ही। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ही तो सोडियम Na+ में बदलेगा, और जब सोडियम Na+ में बदलेगा तभी तो Na+ और Cl- मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब NaCl के क्रिस्टल को आप सोडियम वेपर के एटमोसफेयर में हीट करते हैं तो सोडियम के एटम उसकी सरफेस पर डिपोजिट हो जाते हैं। ऐसे में Cl- जो होता है वो क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकलता है, ये बाहर निकला और ये बाहर निकला, ये बाहर निकल करके सतह पर पड़े हुए सोडियम के एटम के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? NaCl फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl। बट जब ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो ये जगह तो खाली हो जाएगी, बोलो है कि नहीं है? और अगर ये जगह खाली होगी तो इस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा? इस जगह पर अगेन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, क्योंकि यहाँ का Cl बाहर आ गया, यहाँ का Cl भी बाहर आ चुका है और इस Cl- ने Na के साथ रिएक्ट करके NaCl बना दिया है। क्लियर? तो मुझे बताओ फिर ये सोडियम कहाँ से आया है? फ्रॉम वेपर। ये तो वेपर से आया है क्योंकि आपने वेपर में इसको गर्म किया है तो सोडियम एटम क्रिस्टल के ऊपर डिपोजिट हो गए हैं। बट ये Cl- कहाँ से आया है? ये आया है फ्रॉम क्रिस्टल, क्योंकि ये तो क्रिस्टल के अंदर से ही आया है। आया है कि नहीं आया? ठीक। और तब जाके क्या बना है? NaCl। बट इस दौरान एक इलेक्ट्रॉन भी तो प्रोड्यूस हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये आ जाता है कम्स इनटू
एनायनिक वैकेंसी कहाँ चला जाता है? एनायनिक वैकेंसी में। अब आप खुद ही सोचो कि अगर ये एनायनिक वैकेंसी में चला जाएगा तो एनायनिक वैकेंसी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाएगा तो उसे आप क्या बोलोगे? एफ सेंटर। क्या बोलोगे? एफ सेंटर। इसका मतलब इस क्रिस्टल के अंदर एफ सेंटर जनरेट हो जाएगा। कैसे? यहाँ से रेडाइन बाहर चला जाएगा, ठीक है। रेडाइन बाहर जाएगा तो इसके साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, सही है। और इलेक्ट्रॉन के आने के बाद ये जो स्पेस है, ये जो वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है, उसी को आप क्या नाम दे देते हैं? उसी को आप एफ सेंटर बोल देते हैं। इसका मतलब क्रिस्टल के अंदर एफ सेंटर क्रिएट हो चुका है। अगर एफ सेंटर आ गया है तो एफ सेंटर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एफ सेंटर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए अब इस क्रिस्टल का कलर जो होता है ना, वो येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो, यानी येलो कलर हो जाता है, ठीक है। अब देखो शॉर्ट में इसको हम लोग समअप करें तो हुआ क्या है, जरा देखो आप इसके अंदर। देखो हमने एग्जांपल से बात की कि एग्जांपल व्हेन NaCl क्रिस्टल आर हीटेड, जब NaCl क्रिस्टल को आप हीट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं, देन सोडियम एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल की सरफेस पर चारों तरफ सोडियम की वेपर है, उसमें क्या है? सोडियम एटम जो इस सरफेस पर डिपॉजिट हो गए हैं, सही है। एंड Cl- comes out from the crystal। अब जो Cl- अंदर पड़े हुए थे उनमें से कुछ Cl- बाहर आ जाते हैं and form NaCl with sodium atom। तो sodium atom के साथ मिलकर के NaCl बनाते हैं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जाता है और Cl- के बाहर जाने से anionic vacancy क्रिएट होगी और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? comes into anionic vacancy और क्या बना लेगा? F center जनरेट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के आते ही यहाँ F center बन जाएगा और ये जो F center होता है ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए अब ये जो क्रिस्टल होता है वो येलो कलर शो करने लगता है। तो कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि सोडियम एक्सिस वाला NaCl क्रिस्टल, कैसा क्रिस्टल? NaCl क्रिस्टल। किसके एक्सिस वाला? सोडियम एक्सिस वाला, है ना। एक्सिस वाला NaCl क्रिस्टल जो होता है वो कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सोडियम आधिक्य वाला NaCl क्रिस्टल पीला क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि उसके अंदर एफ सेंटर होता है। देखो क्रिएट हुआ ना इसके अंदर एफ सेंटर, ठीक है। और एप सेंटर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान रखेंगे अगर सोडियम एक्सेस है NaCl में तो वो उसको येलो कर देता है। KCl क्रिस्टल में पोटेशियम का एक्सेस होता है तो वो उसको वायलेट कर देता है। कैसा कर देता है? वायलेट कलर का कर देता है। ऐसे ही अगर किसी क्रिस्टल में लिथियम का एक्सेस है और क्रिस्टल कौन सा हो? LiCl, ठीक है, तो वो क्रिस्टल पिंक कलर का हो जाता है। तो कई बार फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है कि लिथियम आधिक्य वाला LiCl क्रिस्टल कैसा होता है? गुलाबी। पोटेशियम आधिक्य वाला KCl क्रिस्टल कैसा होता है? वायलेट बैंगनी होता है। सोडियम एक्सिस वाला NaCl क्रिस्टल कैसा होता है? येलो होता है। लेकिन इन सब कलर के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? F सेंटर। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? F सेंटर। और F सेंटर का मतलब क्या है? एनायनिक वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी? एनायनिक वैकेंसी इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड, सही है। ऐसी एनायनिक वैकेंसी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है वही एफ सेंटर कहलाती है। और एफ सेंटर जहाँ होगा वहाँ क्रिस्टल में कोई ना कोई कलर जरूर आ जाता है। तो होपफुली आप लोग ये समझ पा रहे होंगे हम एग्जांपल से बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने NaCl क्रिस्टल का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हम चाहें तो इसको थोड़ा और आगे भी बढ़ा सकते हैं। जब इस NaCl क्रिस्टल को आप सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करोगे तो क्रिस्टल के चारों ओर सोडियम वेपर जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? ठीक। अब सोडियम वेपर में क्या होगा बताओ जरा। सोडियम वेपर में सोडियम के क्या होंगे? एटम्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए इस क्रिस्टल के चारों ओर कौन डिपॉजिट हो जाएगा? सोडियम एटम। मैं एटम की बात कर रहा हूँ, आयंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेपर में सोडियम के क्या होंगे? एटम होंगे, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये सोडियम एटम क्रिस्टल की सरफेस पर क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं।
और कुछ सी एल माइनस जो होते हैं वो क्रिस्टल से कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो मान लो ये सी एल माइनस क्रिस्टल से बाहर आ गए, जब ये सी एल माइनस क्रिस्टल से बाहर आएगा तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आएगा तो इसके साथ कंबाइन होगा। ऐसे ये सी एल माइनस भी सरफेस पे आएगा, बाहर आ जाएगा और इसके साथ कंबाइन होगा। ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, NaCl, सही है। इस प्रोसेस में क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, वैकेंसी के अंदर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अब देखो मैं इसको फिर इधर ड्रॉ कर रहा हूँ कि हीट अप करने के बाद क्या सिचुएशन होगी। तो हीट अप जब आप कर देंगे तो कुछ Cl- क्रिस्टल से मिसिंग हो जाएंगे, तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ Na+ बचेगा और यहाँ से चला जाएगा, बाकी सारी सिचुएशन सेम रहेगी। यहाँ से सी एल माइनस चला गया, यहाँ वैकेंसी आ, यहाँ से चला गया तो यहाँ भी क्या आ गई, वैकेंसी। अब इस वैकेंसी के अंदर कौन आकर ट्रैप होगा, इस वैकेंसी के अंदर आकर के ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाएंगे, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। अब यही वैकेंसी जो बनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है क्या कहलाएगी, एफ सेंटर, सही है। और एफ सेंटर की वजह से इस क्रिस्टल को क्या मिलेगा, कलर, और ये येलो कलर का हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये सी एल माइनस यहाँ गया है और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाया है, एन ए सी एल। तो देखो एक एन ए सी एल यहाँ बनेगा और एक एन ए सी एल यहाँ बनेगा, तो मैं चाहूँ तो एक और एन ए सी एल की लेयर बना सकता हूँ, सी एल माइनस एन ए प्लस, जो अभी रिसेंटली बनी है सी एल माइनस के बाहर आने से, एक एन ए सी एल और दूसरा एन ए सी एल। ऐसे ही एक सी एल माइनस यहाँ और एक एन ए प्लस यहाँ। ध्यान रहे ये एन ए प्लस कहाँ से बना है, वेपर से, ये भी वेपर से, और ये सी एल माइनस कहाँ से आए हैं, क्रिस्टल के अंदर से। जब ये बाहर चले गए हैं तो सरफेस पर एन ए सी एल बन चुका है, बट अंदर क्या हो गया है, अंदर वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। क्लियर है ना? आपसे कोई पूछे कि भाई ये सी एल माइनस कहाँ से आ गया, तो आप कहेंगे ये अंदर से बाहर आ तो गया, तो ये सी एल माइनस है। ये Na+ प्लस कहाँ से आ गया, ये सोडियम एटम से आया है, जब सोडियम एटम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा ना, और NaCl में क्या क्या होगा, Na+ प्लस और Cl- माइनस। अब ये Na+ प्लस किससे बना है, इससे बना है, ठीक है। तो ये Na+ प्लस कहाँ से आया है, वेपर से, ये भी कहाँ से आया है, वेपर से। Cl- माइनस कहाँ से आए हैं, ये दोनों अंदर से, जब अंदर से बाहर गए हैं तो यहाँ पर वैकेंसी बनी है, उस वैकेंसी में ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो चुका है, ठीक है। और अब ये बन चुका है एफ सेंटर, और इस एफ सेंटर की वजह से ही आपका जो ये क्रिस्टल है ये कैसा होने लग जाता है, येलो कलर का होने लग जाता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखा है, उसके अंदर कौन सा डिफेक्ट देखा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, है ना। और मेटल एक्सिस डिफेक्ट किसके द्वारा, बाय एनायनिक वैकेंसी के द्वारा, यानी क्रिस्टल से कुछ एनायन मिसिंग हो जाएंगे, उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उसे हम एफ सेंटर बोल देते हैं। सम ऑफ एनायन आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल एंड फॉर्म वैकेंसी इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा बनी रहेगी। जितना नेगेटिव कम होगा उतने इलेक्ट्रॉन भी अंदर आ जाएंगे, ताकि नेगेटिव में कोई कमी ना हो, यानी नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर दें, यानी बराबर बने रहे, ठीक है। एनायनिक वैकेंसी इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड आर नोन एज एफ सेंटर, एफ जर्मन भाषा का शब्द है जिसको फॉरवे कहते हैं, जो कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो एफ सेंटर होता है ये किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, एफ सेंटर विच आर रिस्पांसिबल फॉर कलर, तो क्रिस्टल के लिए कलर के लिए ये रिस्पांसिबल होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, और वो एग्जांपल क्या था जरा देखो, वो एग्जांपल हमारा था NaCl का, कि व्हेन NaCl क्रिस्टल आर हीटेड in the atmosphere of sodium vapor, then sodium atom are deposited on the surface of crystal and Cl- comes out from the crystal and form NaCl with sodium. जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से Cl- बाहर निकल जाएगा और वो सोडियम वेपर के साथ मिलकर के NaCl बनाएगा। ये Na सोडियम वेपर से है, ये Cl- क्रिस्टल के अंदर से है, मिलकर के NaCl बना है। प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो कम्स इन टू द वैकेंसी एंड फॉर्म एफ सेंटर। तो अब इसे आप क्या कहेंगे, एफ सेंटर, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और ये एफ सेंटर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और क्रिस्टल को येलो कलर देता है। तो सोडियम एक्सिस वाला क्रिस्टल येलो होगा, पोटेशियम एक्सिस वाला क्रिस्टल वायलेट होगा, लिथियम एक्सिस वाला क्रिस्टल पिंक होगा, लेकिन ये कलर किस वजह से है, एफ सेंटर की वजह से, और एफ सेंटर का मतलब है एनायनिक वैकेंसी इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड।